रहीम, आज हम बनाएंगे चिकन गोभी, और उसके अंदर हम आलू भी डालेंगे। मतलब आलू चिकन गोभी बनाएंगे हम। अगर आपको हमारी इसकी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आलू चिकन गोभी के लिए हमने दो प्याज कट कर लिए हैं मोटे मोटे, और 1 कप ऑयल ले लिया है। और हमने जो प्याज है उनको कट कर कर ऑयल में फ्राई होने के लिए रख दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये फ्राई हो जाए अच्छे तरीके से। टमाटर लेकर उसकी पेस्ट बना ली है, और 2 चम्मच अदरक लहसुन का लेकर उसको हम अपने प्याजों के अंदर डाल देंगे। इसे आप देख सकते हैं हमने डाल दिया है। अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। 1 किलो चिकन ले लिया है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे चिकन के अंदर। रहीम, अब हमने 3 साबुत मिर्चे ले लिए हैं लाल, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सूखा धनिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी की ली है, थोड़ी सी अजवाइन ली है 1 चुटकी, और 1 चम्मच ही हमने लाल मिर्च का लिया है। तो फ्राई हो चुका है, अब हम अपने सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे ताकि जो प्याज है वो भी सॉफ्ट हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भून जाए। रहीम, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। हमने 3 आलू जो हैं वो मोटे मोटे कट कर लिए हैं। हम इसके अंदर आलू डाल देंगे और साथ ही हम 1 गोभी का फूल ले लिया था, हम इसके अंदर गोभी डाल देंगे और इसको मिक्स करके मसाले के साथ हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये मिक्स हो जाए और अच्छे से बन जाए। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। रहीम, अब हमने 1 चम्मच अदरक ले लिया है, इसको कूट लिया है। अब हम वो इसके अंदर डाल देंगे और अब हम इसके अंदर 1 चम्मच ही थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट बाद आके देखेंगे। रहमान रहीम, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो गोभी चिकन है, गोभी आलू चिकन, हमारे आलू भी नरम हो चुके हैं और हमारी गोभी भी नरम हो चुकी है। लेकिन अभी हम इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे ताकि गोभी जो है वो भी और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और आलू भी। तो हम इसको कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट तक। रहीम, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो गोभी है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 2-3 हरी मिर्चें लेकर और थोड़ा सा धनिया लेकर डाल देंगे। हमने 1 चम्मच धनिया ले लिया है और 2-3 हरी मिर्चें लेकर उनको अंदर से कट करके डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और जैसे कि हमारी गोभी तैयार हो चुकी है, अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आया करें तो आप कमेंट किया कीजिए। अगर आप कुछ बनवाना चाहें तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह।